फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जन कल्याण एजुकेशन ट्रस्ट। आज मैं आपको एमएस वर्ड में लोगो बनाना सिखाऊंगा। एमएस वर्ड में लोगो कैसे बनाते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वर्ड ओपन कर लेना है। ओके, वर्ड ओपन करते हैं। यहाँ पे दिखेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपको चल जाना है इंसर्ट टैब पे, इधर इंसर्ट टैब, और यहाँ से ले लेना है आपको सेव, इधर यहाँ पे, और सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डोनट दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे डोनट, डोनट पे क्लिक कर लेना है। डोनट पे क्लिक करके यहाँ पे शिफ्ट बटन के साथ आपको इसको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद अब इसमें आप ग्रेडियंट डाल सकते हो या टेक्सचर डाल सकते हो या कलर चेंज कर सकते हो। जो भी कलर आपको पसंद हो आप इसके अंदर आप फिल कर सकते हो। मैं यहाँ पे टेक्सचर फिल करूंगा, ये टेक्सचर। ठीक है, उसके बाद इसको मैं और पतला करूंगा। ये देखो, पतला करने के बाद आपको चले जाना है फिर से इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद शेप, और यहाँ से स्टार शेप ले लेना है 32। देखिए यहाँ पे 32 स्टार। ठीक है, और इसे भी ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कैसे करना है, शिफ्ट बटन के प्रेस करके आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ मैंने कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे, अब इसमें हम लोग एक फिर से शेप लेंगे। ठीक है, कौन सा शेप लेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पे एक सर्कल ले लेंगे। यहाँ पे देखिए सर्कल, ये देखिए यहाँ पे ओवल शेप, और इसे फिर से शिफ्ट बटन के साथ इसे ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेव फिल कर लिया। आप चले जाने यहाँ पे सेव फिल पे। ओके, सेव फिल पे जाकर यहाँ पे नो फिल कर देना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नो फिल, ठीक है। जैसे मैंने नो फिल किया, देखिए यहाँ पे व्हाइट हो चुका है। अब मैं इसका भी कलर चेंज कर रहा हूँ, जो स्टार है उसका भी मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे ग्रीन कलर ले लूंगा यहाँ पे, देखिए। ठीक है, ग्रीन कलर लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर चले जाना है इंसर्ट पे, और यहाँ से सेप, और यहाँ से फिर से डोनट, डोनट पकड़ के यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेना है फिर से ऐसे सेप बटन के साथ। ठीक है, देखिए मैंने मिला दिया इसको, और इसका भी जो साइज है इसको भी और पतला कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब इसमें फिल करूंगा वाइट। ओके, अब फिर चले जाना है आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आपको वर्ड आर्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट पे क्लिक करके ये वाला वर्ड आर्ट ले लेना है आपको। अब यहाँ पे टाइप कर देना है जिस जिसका आप बना रहे हो लोगो, उसका यहाँ पे नाम। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कर लेना है, इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। ठीक है,
है टैक्स इफेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ से चल जाना है एबीसी ट्रांसफॉर्म और यहाँ से ये वाला पाथ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पाथ सेलेक्ट करने के बाद इसे ड्रॉ करके नीचे की लाना है। ठीक है, नीचे लाने के बाद इसे मूव कर लेना है। ये देखिए ऐसे, इसकी साइज को भी आप कर लेंगे कम, साइज 36 से इसको कर लेंगे 20। ठीक है, ठीक है, इसको कर लेते हैं हम लोग छोटा। ठीक है, अब इसके बाद इसको भी हम चेंज कर लेंगे, यहाँ पे इसका जो स्टाइल है यहाँ पे वर्ड आर्ट से इसका स्टाइल भी चेंज कर लेंगे, ये वाला स्टाइल अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसकी भी साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 24 कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, मैंने इसे अरेंज कर लिया यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से। अब इसमें फिल करेंगे कलर, ठीक है, और यहाँ से इसकी साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे दोनों तरफ स्टार मार्क कर लेंगे, यहाँ पे चलेगा इंसर्ट में, फिर से सेव और यहाँ से स्टार, ये देखिए यहाँ पे 5 स्टार, यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और सेम यही चीज कॉपी कर लेंगे यहाँ से होम टैब में जाकर, कॉपी और फिर यहाँ से पेस्ट। ठीक है, और इसी के ठीक सामने अरेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग अरेंज कर लेंगे और यहाँ से उसका कलर चेंज कर लेंगे, यहाँ पे फिल कलर ब्लैक, यहाँ पे भी ब्लैक। ठीक है, अब थोड़ा सा और भी इसका जो है मोटाई और मोटा कर लेंगे, इसका जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट, इसकी टेक्स्ट की मोटाई को थोड़ा सा मोटा करते हैं। ठीक है, मैंने इसको अरेंज कर लिया। अब नीचे भी अरेंज कर लेते हैं टेक्स्ट को, इंसर्ट में चले गए हैं, यहाँ से वर्ड आर्ट, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे टाइप करेंगे 5 मिनट्स, 5 मिनट्स लोगो। ठीक है, और यहाँ से फिर वही पे टेक्स इफेक्ट, ओके, और यहाँ से ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में जाकर यहाँ से ये वाला पथ ले लेंगे नीचे वाला इस बार। ठीक है, डाउन वाला, इसके पहले मैंने क्या लिया था अप वाला, अप की बार लेना है डाउन वाला। ठीक है, अब यहाँ से इसे अरेंज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेंगे कलर को, यहाँ से फिल कलर, ठीक है, यहाँ से ब्लैक और यहाँ से इसको नो आउटलाइन। ठीक है, अब इसे अरेंज कर लेंगे अच्छी तरीके से।
फिर मैंने इसे अरेंज कर लिया है। अब यहाँ से फिर से एडिटिंग करके यहाँ पे लिखेंगे लोगो डिजाइन, 5 मिनट लोगो डिजाइन। ओके, उसके बाद फिर मैंने कुछ और ऐड करना है। यहाँ पे इंसर्ट में चले जाएंगे, यहाँ से पिक्चर, ठीक है। अगर आपने कोई पिक्चर रखा हुआ है आप यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो या उसके लिए कोई डिजाइन भी बना सकते हो। ओके, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर मैंने इंसर्ट किया। यहाँ पे करूँगा ट्रैप टेक्स्ट और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे रख दूंगा। आप इसे डिजाइन को, ये जो डिजाइन है इसका भी लोगो आप तैयार कर सकते हो एमएस वर्ड में, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर इंसर्ट, फिर यहाँ पे पिक्चर डाउनलोड इंसर्ट टेक्स्ट रैप इन फ्रंट ऑफ ठीक है। ये अच्छा नहीं लग रहा है, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। अगर ये अच्छा ना लगे तो इसका भी आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ से कॉपी और यहाँ से इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद फिर आपको फॉर्मेट टैब पे चले जाना है, यहाँ से रोटेट, रोटेट के बाद यहाँ पे वर्टिकल, वर्टिकल पे आपको क्लिक कर देना है और इसे ड्रॉ करके नीचे की तरफ आ जाना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसे इसमें सटा देना है, ठीक है। सटाने के बाद इसको दोनों को मर्ज कर लेना है, ठीक है, ग्रुप कर लेना है। ग्रुप कैसे करना है, यहाँ पे शिफ्ट बटन के साथ दोनों को, दोनों पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फॉर्मेट टैब पे चले जाना है और यहाँ से ग्रुप, ग्रुप कर देना है और इसको अच्छे से सेंटर पर रखकर इसको अरेंज कर देना है। ये देखिए यहाँ पे ये हो चुका है यहाँ पे। अब फिर यहाँ से इंसर्ट टैब में चले जाएंगे, यहाँ पे सेव, ठीक है, और यहाँ पे जाकर ये वाला शेप ले लेंगे इस बार, ये शेप, ठीक है। अब इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद ये जो जिस कलर का है उस कलर का कैसे करना है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, शेप फिल पे टेक्सचर और यहाँ पे पर्पल मैच ले लेना है यहाँ पे और इसे ऊपर की तरफ सजा देना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा साइज को छोटा कर लेंगे यहाँ पे, ये काफी मोटा दिख रहा है यहाँ पे, इसको और पतला करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं कोई टेक्स्ट, स्टर्ड 2017, कैसे लिखेंगे, इंसर्ट में चले जाएंगे यहाँ से, फिर यहाँ से वर्ड आर्ट, ठीक है, ये वाला वर्ड आर्ट लेंगे यहाँ से और यहाँ पे टाइप करेंगे ESTT, ठीक है, 2017, ठीक है, और इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, यहाँ पे व्हाइट कलर को फिल कर लेंगे, यहाँ पे सेव फिल व्हाइट, ठीक है, यहाँ से नो आउटलाइन, ठीक है। यहाँ पे चले जाना है यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड पे और यहाँ से वाइट ले लेना है, वाइट लेने के बाद नीचे आउटलाइन, आउटलाइन पे नो आउटलाइन, ठीक है, और इसको सेंटर कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस बटन को प्रेस करते हुए देखिए हमारा लोगो बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट लोगो, ठीक है। अगर थोड़ा सा अभी ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसे थोड़ा सा और इधर अरेंज करना है यहाँ पे, ये देखिए कंप्लीट हो चुका है आपका, यानी कि 5 मिनट लोगो जो डिजाइन है वो तैयार हो चुका है। आप यहाँ से ऐसा लोगो दे सकते हो, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए,
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर किसी और को बताना चाहते हैं लोगो डिजाइन के बारे में, इसे शेयर करिए। धन्यवाद।